हेलो स्टूडेंट्स लेट्स सी द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन सेज व्हिच डिटेल इज यूजुअली नॉट मैंशन इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन अब बच्चों यहां जो बैलेंस्ड इक्वेशन का बात किया जा रहा है दिस इज विथ द एडिशनल इंफॉर्मेशन तो सारा सब कुछ अगर दिमाग में रखे तो भी ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें बैलेंस्ड इक्वेशन से नहीं मिलने वाले हैं इवन विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो चलो हम पहले यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको एनालाइज करते हैं द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तो मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन लिख के दे रही हूँ देख लो ये है आपका रिएक्शन तो यहाँ आप देख सकते हो कि वन इज द स्ट्रोशोमेट्रिक कोफिशेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इज द स्टोसोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है तो ये जो सोशोमेट्रिक कोफिशेंट है ये बेसिकली मोल को डिनोट करेगा जो कि बेसिकली अमाउंट को डिनोट करेगा यानी कितना नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लेने से हमें कितना नाइट्रिक ऑक्साइड मिलने वाले हैं ये हमें पता चल जाता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमें पता डेफिनेटली चलते हैं बी में आते हैं वेदर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सॉलिड लिक्विड और गैस इसको समझाने के लिए हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सॉलिड लिक्विड और गैस को समझाने के लिए इस तरीके से लिखते हैं सॉलिड को एस लिक्विड को एल एंड गैस को जी इस तरीके से हम डिनोट करते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमें देना होता है तो एस एल जी इस तरीके से हम डेफिनेटली दे सकते हैं सी वेदर हीट इज़ एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन यहाँ जो रिएक्शन मैंने लिखा है इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है यानी ये एंडोथमिक रिएक्शन है तो माइनस हीट करके हम एडिशनली डिनोट कर सकते हैं लेकिन ये सारा सब कुछ करने के बाद भी डी ऑप्शन में आ जाते हैं हाउ फास्ट द रिएक्शन हैपन्स ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है एवन विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बैलेंस्ड इक्वेशन तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन जहां पे हमें रिएक्शन कितना फास्ट होने वाला है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाले हैं आई होप ये आंसर समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है थैंक यू सो मच